पढ़ रहे थे ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. प्लीज कॉन्सेप्ट ध्यान सुनिए, आराम समझिए. ब्रह्मांड की उत्पत्ति. प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्ट्री जानी थी कि किन किसने क्या क्या थॉट दिए टूवर्ड्स ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स कैसे बना, तो सबसे पहले थॉट आया था क्लॉडियस टॉलमी का. इन 140 एडी में, ठीक है. उसके बाद थॉट आया था हमारा कॉपरनिक्स. कब आया था? वेरी गुड. उसके बाद थॉट आया था हमारा उसके बाद थॉट आया था सोलहवीं शताब्दी. कैपलर, विलियम हर्सेल, क्लॉडियस टॉलमी या उससे पहले आया था कॉपरनिक्स, ठीक है. इसके बाद भी कुछ और थॉट भी थे जिन्हें हमने तवज्जो दी थी. एडविन हब्बल, एडविन हब्बल. और उसके बाद हमने विचारधारा किसकी बात की थी? स्टीफन हॉकिंस. तो ये हमने जो थॉट पढ़े थे, किसी ने बोला कि जॉर्ज लेमेंटर भी थे, उनको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. छियानवे. और इसके साथ हम 1967 अल्फ्रेड वैगनर को भी, रॉबर्ट वैगनर को भी यूज कर सकते हैं. वैगनर को भी हम ऐड कर सकते हैं. तो प्रीवियस जो क्लास में हमने गुड मॉर्निंग. तो हमने प्रीवियस क्लास में, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल स्टूडेंट्स. प्रीवियस क्लास में हमने इन सब के थॉट जाने थे. ये हमारी सेकंड क्लास है ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट की है हमने, एकदम शुरू से बिगिन कर रहे हैं. तो ये हमने थॉट थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने हिसाब से विद इंस्ट्रूमेंट्स और विदाउट इंस्ट्रूमेंट, जब उनके पास टेलीस्कोप ही नहीं था, दूरबीन कुछ भी नहीं था, उससे पहले भी कुछ थॉट दिए थे, मतलब परिभाषाएं बताई थी, जिसमें एडविन हमारे क्लॉडियस टॉलमी 140 एडी में कहां पे होगा, टेलीस्कोप तो था नहीं. 140 एडी क्लॉडियस टॉलमी, कैपलर, धीरे चलते गए विलियम हर्सेल, स्टीफन हॉकिंग, फिर धीरे धीरे हमारे इंस्ट्रूमेंट भी आते चले गए थे. देखो ये जो क्लास है ये बहुत अच्छे, मैं हर बारी को समझाना चाहता हूं. मैं किसी से भी बात करूं, चर्चा करूं, तुम्हें अपने ब्रह्मांड का इतिहास ही नहीं पता, कुछ भी नहीं मालूम, बिल्कुल जीरो होके बैठे हो. हमारा ब्रह्मांड बना कैसा? बस ये जानते हो कि ब्रह्मांड था, फट गया, बिग बैंग थ्योरी है ना, और प्रिस्क्राइब बाय जॉर्ज लेमेंटर और बन गया. तो यार कभी दिमाग में प्रश्न नहीं आता कि आज हम बड़ी इजीली दूर 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 तक देख सकते हैं अपने यूनिवर्स को थ्रू टेलीस्कोप. तो क्या जब पहले यूनिवर्स फॉर्म्ड हुआ, ओरिजिन हुआ, तो क्या तब भी हम इतनी दूर तक, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ब्रह्मांड पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है. भाई इफ वी आर एबल टू सी सेवरल लाइट ईयर है ना, तो मतलब अगर हम आगे का इतना नेक्स्ट टू मतलब देख सकते हैं, तो भाई इसका मतलब है कि हमारा जो यूनिवर्स वो क्या है, हमारा पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है. तो क्या ऐसा यूनिवर्स जब ब्रह्मांड शुरू में बना होगा, क्वेश्चन इससे बता रहा हूं, कितने क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षाओं में आए हैं, पीएससी, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़,
राजस्थान और मध्य प्रदेश, मैं इन छह राज्यों की एमपीपीएससी को ध्यान में रख के आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा लेवल आपके सामने आ जाए और मैं नहीं चाहता कि एक लेवल को आप क्रॉस नहीं कर पाए। तो क्या पहले जब ब्रह्मांड बना, यूनिवर्स बना, वो पहले बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं था, एक ओपेक बॉडी थी। ओपेक जानते हो ना, जिससे आस पार कोई भी प्रकाश नहीं जा सकता। तो ऐसा क्या हो गया कि वो ओपेक बॉडी धीरे 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 आज ट्रांसपेरेंट यूनिवर्स में कन्वर्ट हो गई। इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपके पीएससी प्री में, क्वेश्चन था कोबे योजना की शुरुआत कब हुई, कोबे योजना की शुरुआत क्या हुई, परीक्षा में लिखने को आया उत्तर प्रदेश में कोबे योजना पर टिप्पणी करिए, अंतरिक्ष को जानने के लिए कोबे योजना पर टिप्पणी करिए। अब हमने पढ़ा नहीं क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है कि हम डीपली जाके पढ़ाई करें। एक सिंपल क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा में आया कि खगोलीय वर्ष किसे कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी ईयर कौन सा कहलाया जाता है। बहुत छोटा सा प्रश्न है, हमारी प्रीलियम्स का प्रश्न है, हमने वो भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, वो तो स्पेस साइंस से रिलेटेड है और स्पेस साइंस तो हम पढ़ते नहीं है भाई। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, हमारा खगोलीय वर्ष एस्ट्रोनॉमी ईयर आप किसको कंसीडर करते हैं, किस ईयर को आप एस्ट्रोनॉमी ईयर कहते हैं। हम यही बात ये साइलेंट ही आपके कैरियर को पीछे धक्के मार के पीछे कर रही है, यही साइलेंट बैठना। क्योंकि अगर हम डीप पढ़ाएं तो रोना गाना शुरू हो जाता है, समझने की कोशिश करना बंद कर देते हो। जब इजी आता है तो आंसर दे नहीं पाते हो, ये दोनों ही चीजें आपकी परीक्षा में आपको पीछे फेल कर देती है। चलो खैर, ये तो क्लियर है, इसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। ये मैंने आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छे से डिस्कस करी हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। ओके, तो अब मुझे एक चाहिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चाहते तो मैं इधर का पोर्शन थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये उधर का प्रमोशन मिटा देता हूं जिसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए मैं आपको एक स्टैटिकली डिवाइड करके बताऊंगा। देखो दिख रहा है ना उसमें, ठीक है। देखिए मैं स्टार्टअप करूंगा बिग बैंग थ्योरी से, बिग बैंग थ्योरी से हम स्टार्ट करेंगे। एक टैबलेट, बिग मतलब कॉस्मिक एक्सप्लोजन। कॉस्मिक एक्सप्लोजन का मतलब ब्रह्मांड में महाविस्फोट, ठीक है। ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये दी गई है किसके द्वारा, जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा। कब दी गई है, 1894-96 में जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा कॉस्मिक एक्सप्लोजन की बात की गई है, बिग बैंग थ्योरी दी गई, ब्रह्मांड में महा विस्फोट हुआ। हुआ क्यों, उन्होंने जैसे आपको मैंने बताया था एक मटर के दाने से कंपैरिजन किया था स्टीफन हॉकिंस ने, कि पहले जो यूनिवर्स था वो एक मटर का दाना था, छोटा सा मटर का दाना था जो पहले यूनिवर्स था, वो कंप्रेस होने के कारण उसमें, मैं इधर थोड़ा समझा, वो कंप्रेस हुआ संकेंद्रीकरण कारण, कंप्रेशन के कारण उसमें हो गया एक प्रकार का विस्फोट, एक्सप्लोजन हो गया। यानी यूनिवर्स क्या था, एक पॉइंट था, ना कोई आकाश गैलेक्सीज थी, ना आकाश गंगा गैलेक्सी थी, ना कोई स्टार था, ना कुछ था, वो क्या था, एक मटर का दाना मात्र, मतलब एक छोटा सा, मतलब छोटा मतलब बहुत विशाल एक ही था, ठीक है। संकेंद्रीकरण के कारण उसमें, कंप्रेशन के कारण उसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। ये जो एक्सप्लोजन की घटना हुई, इंसिडेंट हुआ, ये हुआ 15 अरब साल पहले,
15 अरब साल पहले, अगर आता है कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स आपको लिखना है, तो हाउ विल यू राइट ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कैसे लिखेंगे? तो आप ये सब स्टेप बाय स्टेप जितनी घटनाएं आपको बताई जा रही हैं आप इसको समझा सकते हैं 15 अरब साल पहले। तो दिमाग में एकदम बात आती है, 15 अरब साल पहले सूर्य तारे एकदम बन गए क्या? 15 अरब साल पहले पृथ्वी एकदम बन गई? बिल्कुल भी नहीं। ये एक समय दर समय, समय दर समय, समय 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 दर समय एक घटना धीरे 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 मूव करती चली गई। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? जॉर्ज लेमेंटर 1894 में 96 में उन्होंने 15 अरब साल पहले की एक घटना का वर्णन किया। व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? दैट वाज अ बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, हुआ जब ये फटा, एकदम फटा, तो इसको उन्होंने क्या बोला था? सबसे पहले प्राइमेवल एटम, प्राथमिक परमाणु। क्या बोला था इन्होंने इस, जब ये मटर के दाने, क्या बोला था? प्राथमिक प्राथमिक परमाणु था। समझ में आ रहा है? एटम बम, एटम सुना है ना, जब पड़ता तो वो एटम था ना, कुछ था ना कुछ था। ठीक है, जब ये घटना घटित हुई यानी 15 अरब साल पहले, एक दिमाग में इमेज बना के चलो, रटोगे तो नहीं याद कर पाओगे, दिमाग में इमेज बनाओ, आज से 15 अरब साल पहले एक जो ब्रह्मांड था, एक मटर के दाना जो स्टीफन हॉकिंस ने बोला था, उसमें यका है क्या हुआ? एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया और वो फट गया। ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइमेवल एटम कहते हैं, प्राथमिक परमाणु का नाम दिया 15 अरब साल पहले की घटना को। ठीक है, अब कोई चीज फटेगी, अब यह आता है कि समय कब से आया, स्थान कब से बना, वस्तु मैटर कब से आया, टाइम कब से बना, प्लेस कब से डिसाइड हुई, क्योंकि उससे पहले मटर का दाना ही था, तब स्मॉल मटर दाना। 15 अरब साल जब इसका विस्फोट हुआ, जब इसका एक्सप्लोजन हुआ, उसी के समय से प्लेस बनी, प्लेस उसी समय डिसाइड हुई है, ध्यान रखना, प्लेस बनी, टाइम बना, वस्तु बनी, पदार्थ बना, मैटेरियल बना। समझ में आया मेरी बात? उसी समय से समय का निर्धारण किया जा रहा है, इसलिए मैं आज 15 अरब साल पहले की बात आपके सामने कर रहा हूं। ये तो पहले तो कोई समय था ही नहीं, ना स्थान था ना वस्तु थी। क्लियर हुआ? ओके, अब दूसरा पार्ट, ये मेरा एक पार्ट खत्म हुआ, ये दूसरा पार्ट, जब इसमें विस्फोट हुआ एकदम, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी, जब विस्फोट हुआ एक सेकेंड का 10,00,000वां सेकंड कितना होगा? एक सेकंड का मैं दसवां भाग नहीं बोल रहा हूं, मैं 10,00,000वां भाग बोल रहा हूं। कितना? एक सेकंड का 10,00,000वां, यानी 10,00,000वां, 10,00,000 में भाग में ये फैल गया था और जो पदार्थ फटा था, जो पदार्थ फटा था वो पूरा एक फायर बॉल बन गया था। क्या बन गया था? वो फायर बॉल, मतलब पूरा पदार्थ एक आग के गोले जैसा जलने लगा, फायर बॉल। तो 10,00,000 में सेकंड में क्या हुआ उसका? इट कन्वर्ट इनटू फायर बॉल, एक आग के गोले में तब्दील हो गया। कौन से सेकंड में? एक सेकंड के 10,00,000 में भाग में फायरबॉल बन गया। ठीक है, अब जब समय बीता यानी जब ये फायरबॉल बना, तो इससे कॉस्मिक रेस निकलना शुरू हो गई, जिसे ब्रह्मांडीय किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं जिन्हें? ब्रह्मांडीय किरणें। तो 1,00,000 में 10,00,000 में भाग में कॉस्मिक रे निकलना शुरू हो गई थी। मेरी बात समझ में आ रहा है? 10,00,000 में भाग में। लेकिन आप जानते हो हर पदार्थ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम की जरूरत होती नहीं होती है। अभी भी ना इलेक्ट्रॉन आया, ना प्रोटॉन आया, ना न्यूट्रॉन आया, कुछ भी नहीं आया। जब
हमारे ब्रह्मांड की विस्फोट के बाद जो आज का एक सेकंड उम्र हुई, कितनी उम्र? एक सेकंड, कितना फास्ट हुआ आप सोचो ये प्रोसेस, जब ब्रह्मांड की आयु सिर्फ एक सेकंड हुई, 1 सेकंड हुई, तब उस समय उस पदार्थ का तापमान थोड़ा गिरा होगा, हाँ या ना? और उसमें है, एक सेकंड होने के बाद उसमें से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क, ये पदार्थ निकले। इनका ताल्लुक है, मैं नहीं कहता कि आप परीक्षा में इसकी सब याद करके लिखो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे आधा और पादा का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ बिल्कुल पूरा पूरा करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। तो मेरी बात फिर से समझो, ब्रह्मांड जब महाविस्फोट हुआ 15 अरब साल पहले, तो स्थान समय का निर्धारण होना शुरू हो गया उसी समय से। 10,00,000वां सेकंड था तो वो पूरा पदार्थ एक बॉल की तरह जलने, अभी पता ट्रांसपेरेंट नहीं बना हमारा, वो पदार्थ ट्रांसपेरेंट जलने लग गया और उसमें से क्या निकलने लगी? कॉस्मिक रेज निकलना शुरू हो गई। जब उसकी आयु एक सेकंड हुई तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो और क्वार्क, मैं लिखवा दूंगा पहले समझो, क्वार्क की उपस्थिति हो गई, न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और क्वार्क। अब इसमें से तुम न्यूट्रॉन को जानते हो, प्रोटॉन को जानते हो, इलेक्ट्रॉन को जानते हो, लेकिन तुम न्यूट्रिनो और क्वार्क को नहीं जानते हो। समझ में आ रहा है? किसे नहीं जानते? न्यूट्रिनो और क्वार्क। न्यूट्रिनो क्या होता है? न्यूट्रिनो बेसिकली ऐसे डार्क मैटर होते हैं। न्यूट्रिनो इज अ डार्क मैटर। डार्क मैटर मतलब हमारे ब्रह्मांड में अगर मैं बात करूं, बेटा बाद में सोना, इधर आके मिटाओ जल्दी से। तो न्यूट्रॉनो एक, देखो पूरा जो ब्रह्मांड है हमें दिखाई देता है आकाशगंगा, हमें दिखाई देता है सूर्य, तारे, चंद्र, यही दिखाई देता है। हम सोचते हैं यही, इसी से ब्रह्मांड बना है। ये सही बात भी है कि यूनिवर्स जो बना है वो आकाशगंगा, मैंने बताया था ना, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी से जो बना, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी से, यानी आकाशगंगा के पुंज से ब्रह्मांड बना है। ये सुनो, तो ये सही बात है कि उससे बना है, लेकिन ये जो सारा पदार्थ मिला दूं, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं सबको मिला दूं, जितने भी सूर्य तारे हैं उनको भी मिला दूं, समझ में आ रहा है? उसके बाद पता है वो कितना जो पदार्थ है, जो मैटर है, वो कितना कवर करेगा? 1%। मेरी बात समझने की कोशिश करो, यूनिवर्स कितना बड़ा विशाल है। मैं पूरे ब्रह्मांड को, जल्दी मिटाओ बेटा थोड़ा सा, पूरे ब्रह्मांड की सारी आकाशगंगाएं, सारे तारे, सितारे और पृथ्वी को मिला भी दूं, तब भी उसका वजूद पता है कितना है? सिर्फ 1% मैटर है, 1% मैटर ही कवर करेगा। मतलब सोचो, ये मेरा ब्रह्मांड है, जितनी आकाशगंगा, तारे, सितारे सब मिला दूं तो वो भी कितना मैटर है? 1% मैटर के बराबर है। हमारी पृथ्वी जैसी, ये पदार्थ ही मैटर है, हमारी पृथ्वी जैसी मैटर, मैं पदार्थ समान की बात कर रहा हूं, डार्क मैटर इन्हें कहते हैं हम, डार्क मैटर। हमारे अर्थ जैसी जो डार्क मैटर है वो इतना एक काला अंधेरा है, इतना ज्यादा पदार्थ है जिसके बारे में वैज्ञानिक भी नहीं जानते, जिनके बारे में वैज्ञानिक नहीं जानते। और वो कितना कवर करता है जिसके बारे में वैज्ञानिक नहीं जानते? 99%। कैन यू थिंक, इमेजिन, यूनिवर्स कितना विशाल है कि सूर्य, आकाशगंगा, हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी के कोने में जरा से बीच में स्थित है, एक आर्म्स में स्थित है, उसके अलावा भी एक डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और वो डार्क मैटर अगर परसेंटेज में देखूं तो वो 99% वो कवर करता है पृथ्वी जैसा, एक पृथ्वी मान लो जो अंधेरे में गुप्त पड़ी हुई है, वो 99% सारे सितारे, सूर्य, तारे, आकाश, जितने एंड्रोमेडा, जितने जानते हो,
उन सबका अगर पदार्थ में कलेक्ट कर लूं एक तराजू में, तो वो 1% के बराबर होगा। 99% ऐसा मैटर है जो डार्क मैटर है, जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। तो आप उसे इमेजिन करो, कल्पना करो कि यूनिवर्स कितना विशाल हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हो सकता है, कितना विशाल हो सकता है। खैर, तो जो क्वार्क होता है वही क्या है, क्या होता है? डार्क मैटर है। वो क्या है? हमारा डार्क मैटर है जो फैला हुआ है। वैज्ञानिक इस डार्क मैटर के बारे में पता नहीं लगा पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि इसका मास ही नहीं जाता, द्रव्यमान नहीं है इसका, द्रव्यमान नहीं है इसका, ना के बराबर है, द्रव्यमान ना के बराबर है। इलेक्ट्रॉन जिसको आप सबसे भारी मानते हैं, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन ये 0.005% ही द्रव्यमान को कंटेन करके रखता है। तो आप सोच सकते हो कोई वस्तु ही नहीं है, तो पता कैसे लगाया जा रहा है कि भाई कोई वस्तु ही नहीं, कोई वस्तु है भी? दूसरा, ये जो पदार्थ है डार्क मैटर जो मौजूद है यूनिवर्स का, ये किसी से क्रिया भी नहीं कर पाता। इसी कारण से अगर हम क्रिया करते तो रेज निकलती है तो हम पता लगा सकते हैं भाई क्वासर्स जो है वो ऐसे खगोलीय पिंड है जो करीब 4 अरब प्रकाश वर्ष से 10 अरब, मैंने एक प्रकाश वर्ष बताया था कितना होता है, लाइट ईयर क्या होता है, व्हाट इज लाइट ईयर, यूनिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। लाइट ईयर में क्या होता है? 1 सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लाइट ईयर क्या होता है, आप समझने की कोशिश करो, तुम सोचने में तुम्हारा दिमाग चक्कर खा जाए। 1 सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वो होता है लाइट ईयर। इस लाइट ईयर नहीं हो रहा, वो तो यूनिट है, वो तो 1 सेकंड दूरी है। लाइट ईयर लगा दिया मतलब 1 साल, तो 1 साल में जो दूरी तय की गई वो कितनी, 95 खरब किलोमीटर। मतलब हमारी 1 साल में 95 खरब किलोमीटर, 25 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करना, मतलब 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर का मतलब समझ में आया? माफ कीजिए, क्वार्क नहीं, न्यूट्रिनो, मैं न्यूट्रिनो की बात कर रहा था, क्वार्क लिख दिया मैंने, न्यूट्रिनो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? न्यूट्रिनो, क्वार्क तो हमारा सृष्टि का एक आधार तत्व होता है। खैर, 95 अरब किलोमीटर। अब क्वासर्स होते हैं, कुछ ऐसे पिंड होते हैं क्वासर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वासर्स। वो पत्थर से कितनी दूर है, उन्हें देखना संभव नहीं है। कितनी दूर है? 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 95 बिलियन किलोमीटर की दूरी, यानी 1 लाइट ईयर। क्वासर्स हमारे से 4 से 10 अरब लाइट ईयर दूर है, अरब। तो एक में हम चाह रहे हैं 95 खरब किलोमीटर, अरब खरब किलोमीटर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आप सोचो 4 से 10 अरब जो लाइट ईयर दूर होगा, उसकी दूरी कितनी होगी आपसे, कितनी दूरी होगी? बहुत हो गई, ट्रिलियन, ट्रिलियन का था, अरब नहीं था, खरब था वो, है ना, ट्रिलियन खरब की दूरी होती, 95 खरब ट्रिलियन। अब आप सोचो 10 से 10 अरब, यानी 1 लाइट में हमारे जा रही 95 खरब, तो आप सोचो कि जो बेसिकली है वो कितना हुआ, 10 अरब, तो कितना दूर हुए। तो हम पता कैसे लगाते हैं, ये है बेसिकली, उसमें से रेडियो वेव्स आती हैं। क्या आती हैं? उत्सर्जित तरंगे, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट पे पता लग जाती, कुछ पिंड है जो हमसे लगभग 4 से 10 अरब लाइट ईयर प्रकाश वर्ष दूर है। अब तुम सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना विशाल है, और कहां तक इसकी रेंज क्षमता है। चलो।